गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोग को असाइनमेंट 14.3 के बारे में पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को देखते हैं। बार ग्राफ। ए बार ग्राफ इज ए चार्ट दैट यूजेस बार्स टू शो कंपैरिजन बिटवीन कैटेगरीज ऑफ डाटा। द बार कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। तो चलिए अब हम लोग असाइनमेंट 14.3 को देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन एमसीक्यू है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट को देखते हैं। ए बार ग्राफ कैन बी ड्रोन ऑप्शन ए वर्टिकली, ऑप्शन बी हॉरिजॉन्टली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी इन ए सर्कल ओनली। तो ऑप्शन सी हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। ए ग्राफ ड्रो यूजिंग हॉरिजॉन्टल बार्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए पिक्टोग्राफ, ऑप्शन बी पाई ग्राफ, ऑप्शन सी चेपेटी ग्राफ, ऑप्शन डी बार ग्राफ। तो देखिए बार ग्राफ, तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा बार ग्राफ। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। रीड द एडजॉइनिंग बार ग्राफ केयरफुली नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवेन बाय द बार ग्राफ। तो बार ग्राफ किस चीज का इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो देखिए प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन सम ऑयल रिफाइनरीज। तो देखिए सॉल्यूशन, फर्स्ट नंबर का आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ ऑयल इन सम ऑयल रिफाइनरीज। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर टू को देखते हैं। विच ऑयल रिफाइनरी प्रोड्यूस मैक्सिमम ऑयल। तो मैक्सिमम ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है मथुरा। तो सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा मथुरा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द रिफाइनरीज विच प्रोड्यूस ऑयल लेस देन 4 लाख टन। तो देखिए हम लोग को क्या बतलाना है। तो नेम द रिफाइनरीज विच प्रोड्यूस ऑयल लेस देन 4 लाख टन। तो 4 लाख टन से दो कम है, हल्दिया और कच्छ। तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा हल्दिया और कच्छ। चलिए फोर नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ मच ऑयल इज प्रोड्यूस्ड बाई मुंबई ऑयल रिफाइनरी। तो मुंबई ऑयल रिफाइनरी कितना प्रोड्यूस कर रहा है? तो देखिए मुंबई ऑयल रिफाइनरी जो है 5 लाख ठीक है टन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो फोर नंबर का आंसर हो जाएगा 5 लाख टन्स। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं। फ्लोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड आफ्टर एवरी 2 ईयर्स इन ए सिटी ड्यूरिंग द ईयर्स 2005 to 2010। तो देखिए ईयर्स हो गया नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड। तो 2005 में 3000, 2006 में 2000, 2007 में 4000, 2008 में 5000, 2009 में 6000, 2010 में 3000। एक्सप्रेस दिस डाटा इन द फॉर्म ऑफ ए बार ग्राफ ट्रैकिंग 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 500 ट्री। तो 1 यूनिट जो लेंथ है वो 500 ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड 1 यूनिट इज इक्वल टू 500 ट्रीज। तो देखिए 1 यूनिट जो लेंथ है वो कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 500 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो ट्री जो है प्लांटेड हुआ है 2009 में, तो ये कितना है? तो 6000 है। तो 6000 के लिए देख, जैसे देख लीजिए 1 यूनिट लेंथ जो है 500 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 6000 के लिए हम लोग को 12 यूनिट का यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा।
ये जो वन लिखा हुआ है वो वन यूनिट को शो कर रहा है, तो वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 500 ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए ये जो है ईयर्स हो गया, तो 2005, तो 2005 में जो है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड जो हुआ है 3000 हुआ है, तो 3000 के लिए कितना यूनिट का यूज करेंगे, तो 6 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 के सामने हम लोग इसको फिगर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए 2006, तो 2006 जो 2000 क्या हुआ है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, तो 2000 हुआ है, तो इसके लिए 4 यूनिट के सामने हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए 2007, तो 2007 में कितना नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड हुआ है, तो 4000 हुआ है, तो 4000 के लिए हम लोग क्या करेंगे 8 यूनिट के सामने फिगर बनाएंगे। उसके बाद देखिए 2008, तो 2008 में कितना नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड हुआ है, तो देखिए 5000, तो 5000 के लिए हम लोग क्या करेंगे 10 यूनिट के सामने हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए 2009 में जो है नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड जो हुआ है वो 6000 हुआ है, इसके लिए 12 यूनिट के सामने हम लोग फिगर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद देखिए 2010 में जो है 3000 क्या हुआ है नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 6 यूनिट के सामने तक हम लोग क्या करेंगे फिगर को ड्रॉ करेंगे। तो ये आप लोग का क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। बाकी का जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, आप लोग से बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।